दोस्तों ये नई गाड़ी ली है और आप बताओ कितने की होगी और क्या माइलेज है, कैसी लगी आपको हमारी न्यू कार। ये हमारी न्यू कार, पूछ सकते हो उनकी सुनियो ना भाई, थोड़ा सा। अरे भगवान 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 बोले वो बोजार कौन है? प्रकाश है क्याणी उधार गाड़ी कर दिस रहे हैं। नई गाड़ी ले है लेकिन मैं बैठू थी बंद कर तेरे मग छोटे चला जा बिल्कुल ऊपर नीचे आगे पाछे ऊपर कर दे यार यार थोड़ी यार नीचे लेके दे नीचे यार छोरा के गांव के बिल्कुल बोलोगा जुगाड़ी मैं खटका देख लूं सब कुछ चल ठीक है यार टॉप मॉडल है प्रसाद गन दुआ दीजिए प्रसाद गन बोल जल खुल जलो तो थोड़ा सा बोल दे आप बताओ कौन सी गाड़ी है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी काफ़ी धुंध है। धुंध अभी अठी नहीं है, चारों तरफ बहुत खतरनाक धुंध है। मैं आया हुआ अपने खेत में दोस्तों। अब की बार हमने इस खेत में बोए थे चने, लेकिन चने बहुत कमज़ोर रह गए क्योंकि अब की बार कोई मावट नहीं आई। और दोस्तों मावट नहीं आने की वजह से ये चने की फसल बिल्कुल होने जा रही है और लगभग हो ही चुकी है। अभी भी 10-15 दिन में अगर मावट आ जाती है तो ये चने की फसल काफ़ी ज़बरदस्त बन जाएगी, जो कि आप देख रहे हो। मैं चने के खेत के अंदर बैठ खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं ये चने के पौधे, नन्हे नन्हे से चने के पौधे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है, सामने जो पोल लग रहे हैं वहाँ तक खेत है और इधर से ये बबूल का पेड़ है, उससे आगे की मेड़ है वहाँ तक ये कंटिन्यू दो खेत
अपने हैं और यहाँ पर चने के पौधे हैं दोस्तों। चने की पत्तियाँ तोड़ करके खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, आप भी खा सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं चने की पत्तियाँ तोड़ तोड़ के खा रहा हूँ। ये चने की पत्ती है दोस्तों, इनको कच्ची खाने से स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है ये, तो इनको कच्चा खाना चाहिए ताकि कई प्रकार के विटामिन्स इनसे मिलते हैं और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है, लाभदायक है। लेकिन अब की बार चने की फसल काफ़ी नुकसान दे गई, जो कि कहने से क्या होगा, आप खुद देख रहे हैं मेरे खेत के अंदर चना मैंने डाला था पूरा बीज, लेकिन पूरी तरीके से उग नहीं पाया और इसकी वजह से दोस्तों मैं काफ़ी नुकसान में हूँ। अब की बार इसमें बुआई जुताई बीज और खाद DAP वगैरह वगैरह जो भी है खर्चा, कुल मिलाकर कम से कम एक खेत का खर्चा है 10,000 रुपये और इसमें पैदावार होती 40,000 की, लेकिन अब की बार बहुत बड़ा नुकसान है। और नुकसान इसलिए है कि मावट नहीं आई, और दोस्तों अभी भी मावट आ जाए तो इसमें लगभग 25,000 से 30,000 की पैदावार हो सकती है, लेकिन मावट आने की उम्मीद अभी कम ही है। 1 जनवरी यानी 2024 से नया विक्षोभ उठ रहा है, संभावना कितनी हो रही है ये आप भी हमें थोड़ा बताएं ताकि हमारी फसल में थोड़ा सुधार हो जाए। और हम आए हुए हैं अपने खेत में देखरेख के लिए, और यहाँ पर ये देखिए बकरियों के लिए भी कुछ पान वगैरह काटे थे। यह है बकरियों के लिए काटे गए पान, जो कि अड़ू के पौधे में से हमने काटा ये पान पत्ता, और ये देखिए वहाँ इतनी ऊपर से जा कर के मैंने काटा, और अब बकरियाँ ताज़ा ताज़ा बिल्कुल अड़ू के पत्ते खाएगी। बकरियों के लिए काफ़ी लाभप्रद है, बकरियाँ स्वस्थ रहती हैं इनको खा करके, दूध भी ज़्यादा देती है और बड़े छाव से खाती है इनको, काफ़ी अच्छा भोजन है बकरियों के लिए। तो आज हम छुट्टी पर थे, हमने सोचा क्यों ना खेत में चलकर देखा जाए कि फसल की क्या हालचाल है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि अब की बार चने की फसल है काफ़ी नुकसान वाली फसल साबित हुई और बहुत बड़ा नुकसान दे गई हमें। तो इस प्रकार से अभी भी अगर बारिश आ जाए तो काफ़ी फ़ायदा है दोस्तों। मेरे खेत में एक क्या कहते हैं खरपतवार है, लेकिन ये खरपतवार मैं इसका नाम नहीं जानता, अगर आप इसका नाम जानते हो तो मुझे नाम बताएं इसको क्या कहते हैं। ऐसी खरपतवार बहुत सारी उग रही है, हम तो इसको अणखुरी कहते हैं, आप क्या कहते हो, बहुत सारी है। एक तो ये है खरपतवार, एक देखो ये रही अणखुरी, तो ऐसे पौधे काफ़ी है इस खेत में। एक देखो ये रहा, ये अणखुरी का पौधा है, ये केरा, आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में ये हमें कमेंट्स करके बताएं। ये देखो ये अणखुरी है, ये देखो ये भी अणखुरी है, ये देखो काफ़ी खरपतवार अणखुरी उग रही है इस खेत में।